गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दोपहर का टाइम है एंड 3 बज रहा है, तो मैं सुबह से क्या कर रही थी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइस, वो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज़ सुनने को मिलेगी तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आपको ये आवाज़ रोज़ मिलेगी। मेरा घर रोड पर है एंड इसी कारण मेन रोड पर ही है, इसी कारण बहुत ज़्यादा गाड़ी बस आते जाते रहता है। तो आप लोगों को आवाज़ को सुननी पड़ेगी रोज़ एंड प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। सो गाइस, चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। एंड मेरा ऑलमोस्ट काम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है एंड मतलब बहुत थोड़ा मोड़ा काम मेरा बचा है, वो भी मैं ख़त्म कर लूँगी। तो ये देखो गाइस, मेरे बाबू यहाँ पे झूला झूल रही है। क्या कर रही है बेटा? इधर आ। क्या कर रही है? झूलवा झूल रही है, बता दो। झूला झूल रहे हैं। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। आपको पता है मैंने अपने रूम में ही झूला लगा दिया है इसके लिए, क्योंकि इसका झूला नाम मतलब पटना ही में रह गया है, क्योंकि गाड़ी में ना जगह नहीं था, बिल्कुल नहीं था लाने का। इसी कारण मेरे हबीब बोले कि जाए तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा दिन आकर ले जाऊंगा इसे, या कोई जाएगा तो फिर मैं लेके आ जाऊंगा। बट वो अभी गए नहीं है, उनको काम अभी था। इसी आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये झूला बस लग गया यहाँ पे मेरे रूम में ही। तो ये देखो क्या, एंड बहुत ज़्यादा खुश रहती है। क्या करिए बेटा, ये देखो बहुत ज़्यादा झूलते रहती है। सो गाइस, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ सुबह से। गाइस, ये मेरा प्लांट है, मैं इसे ही साफ कर रही थी। देख रहे हो आप, मैं नहीं थी तो सूख गया यहाँ। ये केला का पेड़ है एंड यहाँ पे सूख गया गाइस। भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट था, लेकिन देखो ना सूख गया, आप देख रहे होगे थोड़ा सा। एंड यहाँ देखो, मैं इसे ही सब सफाई करने में बिजी हो गई थी गाइस। सुबह से बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत लगा, आप ये देखो। एंड सो प्लांट था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। एंड ये देखो, ये मनी प्लांट। एंड यहाँ पे देखो गाइस, देखो मैं यहाँ यहीं पे रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में मैं बिजी हो गई थी यहाँ पे। एंड ये पाइप लगा हुआ है, क्या है आप ये देखो, इस रूम से जाता है ये पाइप एंड वहाँ उस कूलर में भरता है। सो इसी में बिजी हो गई थी। गाइस, कैसा लगा मेरा प्लांट आप लोग मुझे बताना। बट बहुत सारा फूल था गाइस, एंड मतलब बहुत सारा तो सूख भी गया है, बहुत मुरझा गया है, क्योंकि धूप भी था एंड पानी भी उसमें रेगुलर नहीं डला पाता था इसी कारण। एंड मेरे को ना प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक है, बट कोई नहीं, मैं फिर से लगा लूँगी, फिर से मैं प्लांट अपना अच्छे से मैनेज कर लूँगी। एंड अच्छा लगा ना आप लोगों को। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था गाइस, क्योंकि मेरा घर ना रोड पर है ना, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है इसी कारण। एंड पता है आप लोगों को, मेरा एक काम ख़त्म नहीं होता कि मेरा दूसरा काम आ जाता है। मतलब समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों। आधा एक घंटा पहले ही मैं बैठी हूँ काम वाम करके, नहा वहा के, एंड फिर से मेरे पास काम आ गया गाइस। वो भी पता है क्या, आप खुद ही देख लो। ये देखो, भैया आए, बोले कि भैया आए सारा कपड़ा देख के, मेरे हबी दिए हुए तो सारा धोने की है। एंड बोले कि ये लीजिए मैम, सारा आपका कपड़ा धुला गया है, सो अब इसे मेरे को रखना है। हाय, काम बहुत ज़्यादा काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो पता है आप लोगों को, अब मैं इसे उनकी अलमारी में तो नहीं रख सकती हूँ। पकड़ो बेटा ये, मैं ये सारा कपड़ा रख लेती हूँ। सो मैं आप लोगों से बातें करते करते मैं सारा काम भी कर लेती हूँ, तो चलो। मैंने सारा कपड़ा उनका रख लिया, आप ये देखो। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने ट्रॉली में क्यों रखा, क्योंकि उनका अलमारी का ना एक दरवाज़ा ना थोड़ा सा टूट गया है, तो उसे बनवाना पड़ेगा। एंड वो अभी है नहीं जिससे वो बनवाते हैं, वो उससे उनसे पूछा गया, तो वो बोले कि मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन में, मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद देखिए वो आता है, तो उसके बाद फिर बन जाएगा। एंड फिर उसमें मैं सारा सामान रख दूँगी एंड मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, ये मेरा अलमारी है एंड ये मेरे हबी का अलमारी है। सो देखो, ये जो दरवाज़ा है ना, यही टूट गया है एंड इसे बनवाना पड़ेगा। आप ये देख रहे हो, ये निकल गया है। एंड ये तो मैं अब खोलूँगी तो फिर ये भी गिर जाएगा, इसी कारण मैं खोल नहीं रही हूँ। लकड़ी का है पूरा। एंड ये देखो, ये मेरा
स्टैंड। पता है मैंने ये स्टैंड क्यों रखा था? क्योंकि जब मैं लाइकी का वीडियो बनाती थी ना, तब मैंने इसे लिया था, बट मेरे को ना काम आ गया यूट्यूब में भी, तो चलो ऐसे मैं मुझे ना मेरे को ना YouTube वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था गाइज, बट मैं लाइक की वीडियो इतना बनाती थी ना कि मैं बिजी हो गई थी लाइक की वीडियो में, एंड मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। बट अब तो बेबी ही हो गई, अब तो और टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी मैं सोचती कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, मेरे भी सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरी भी यूट्यूब फैमिली होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बहुत, मेरी भी यूट्यूब फैमिली हो, इसलिए गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मेरा है, बट नहीं गाइस, ये मेरा नहीं है, मेरे हब्बी का है। वो बेस्ट क्या है, ये बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़र का अवार्ड है गाइस। वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा वो ऑर्गेनाइज़ किए थे डांडिया का, ये डांडिया का है गाइस। तो बहुत ज़्यादा अच्छा किए थे, इसी कारण उनको ना ये अवार्ड मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे वो डांस किए थे, बट वो डांस नहीं, ऑर्गेनाइज किए थे। एंड एक और मिला है गाइस, ये देखो छोटा सा। सो मैं आपको ना किसी तारीफ, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, बट अभी नहीं, इसमें आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती। सो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, एंड मेरे को खाना खाने का मन नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं केक खा लेती हूँ। एंड ये केक है जो गाइस जो अपने मैंने जो अपने बाबू को, जो मैंने अपने बाबू के 7th बर्थडे पर मैंने केक काटा है ना, बाबू का केक है जो मैंने बाबू के लिए काटा था, एंड इसे खा रही हूँ मैं। सो गाइस मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आप लोगों को किसी किसी पसंद है प्लीज़ कॉमेंट करना ज़रूर कि किसी किसी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस मुझे केक तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। एंड ये देखो गाइस मैंने कितना ख़त्म कर दिया है, मेरे हब्बे तो केक खाते नहीं हैं, मतलब खाते हैं, एक होता है थोड़ा बहुत वो खाते हैं, बट उतना तो बिल्कुल ही नहीं खाते। एंड ये सारा केक मैंने ही ख़त्म किया है, एंड सो गाइस चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना गाइस, जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा वीडियो में, तब तक ये तो बाय।